नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने 10वां चैप्टर ख़त्म किया था, उद्योग और व्यापार देखी थी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब इसमें बात करेंगे हम लोग ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ऊर्जा संसाधन ये भी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही होंगे। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम की प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। ठीक, याद रखना। राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपा नगर बुरहानपुर स्थित चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 और पहला जल विद्युत केंद्र चंबल नदी पर अवस्थित गांधी सागर विद्युत केंद्र 1960-61 में। क्या राज्य का पहला विद्युत केंद्र नेपा नगर बुरहानपुर में स्थित चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 में और जल विद्युत केंद्र चंबल नदी पर अवस्थित गांधी सागर विद्युत केंद्र 1960-61 में स्थापित हुए। राज्य के नगरों का 100% और गाँव का 97.1% विद्युतीकरण हो चुका है। राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में सन 1905 में 240 केवी की स्टीम टरबाइन से हुआ था। याद रखना है इसे। राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में हुआ आपका 1905 में। 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया। आगे बात करते हैं। 1 दिसंबर 1955 को विद्युत मंडल का गठन किया गया। विद्युत मंडल का मुख्यालय है आपका जबलपुर में शक्ति भवन। याद रखना है, विद्युत मंडल का स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1950 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में शक्ति भवन में। राज्य ग्रामीण विद्युत विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1960 में की गई, इसका मुख्यालय है भोपाल में। प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों के विकास के उद्देश्य से सन 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। विद्युत क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के विहित स्वरूप का पुनर्गठन किया गया। उत्पादन एवं वितरण हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर 5 कंपनियों का गठन जुलाई 2002 में किया गया। ये 5ों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रहते हुए भी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के प्रति उत्तरदायी हैं। मध्य प्रदेश राज्य की कुल विद्युत उत्पादन का 10% उत्पादित करता है। पांचों कंपनियां 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई। विद्युत मंडल विद्युत कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यनीति निर्धारण तक सीमित करने तथा विद्युत दरों के निर्धारण एवं नियमित कार्यों के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 1998 में स्थापित की गई। नियामक आयोग द्वारा अभी तक 7 टैरिफ आदेश जारी किए गए। प्रदेश में 3 ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं, प्रशासनिक अकादमी भोपाल, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में। सर्वाधिक विद्युतीकृत ग्राम वाले जिले हैं सीहोर, इंदौर, खंडवा। पावर ट्रेडिंग कंपनी का नाम 10 अप्रैल 2012 को परिवर्तित करके एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पावर मैनेजमेंट कंपनी ने में 26 अप्रैल 2012 को विलय कर दिया गया। अब यह मंडल अस्तित्व में नहीं रहा। ठीक है। फरवरी 2017 तक राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 17,515 मेगावाट थी। जनवरी 2017 की स्थिति में प्रदेश में कुल 64 अविद्युतीकृत हैं, जिनमें से 42 गांव के विद्युतीकरण। याद रखिए, हम लोगों ने अभी जो करंट अफेयर्स देखा था 2019 का, उसमें सभी नए आंकड़े आए हुए हैं, तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग आगे बात करते हैं हम लोग
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 30/7/2015 को प्रदेश के 51 जिलों हेतु 2865 करोड़ रुपये लागत की 50 योजनाओं को स्वीकृति दी गई IEC लिमिटेड से प्राप्त हुई है। याद रखना आप 52 जिले हो गए, लेकिन ठीक है 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में 52 जिले हैं। राज्य शासन की संकल्पनानुसार अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत दीर्घकालीन विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता एवं विकसित अधोसंरचना के आधार पर संपूर्ण प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे, कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे नियमित विद्युत प्रदान 2013 से प्रारंभ की गई। वर्ष 2016-17 में राज्य शासन द्वारा विद्युत क्षेत्र में 3 नवीन योजनाएँ प्रारंभ की गई। प्रदेश को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन मुक्त बनाने हेतु स्थायी कृषि पंप कनेक्शन, दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की योजना, तीसरा वितरण ट्रांसफार्मरों को फ्लोर रेट कम करने की योजना, ऊर्जा संरक्षण एवं बिजली की बचत हेतु उजाला योजना के अंतर्गत 30 अप्रैल 2016 को 9 वाट क्षमता के LED बल्ब का वितरण प्रारंभ किया गया। प्रदेश में दिसंबर 2016 के अंत तक 1 करोड़ से अधिक LED बल्ब का वितरण किया गया। प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिलों, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि में निर्बाध रूप से प्रदाय हेतु सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना की गई। वर्ष 2009-10 से दिसंबर 2016 तक 5015.6 किलोवाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाइट तथा होम लाइट के माध्यम से विकास व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2005-06 में से दिसंबर 2016 तक 17,225 स्ट्रीट लाइट एवं 13,225 होम लाइट संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। सोलर पंप कार्यक्रम के तहत 2013-14 से दिसंबर 2016 तक 3,082 सोलर पंप स्थापित किए गए। ठीक है, ये नए आंकड़े आ गए, उसी में करंट अफेयर्स में देख लेना। ठीक है, सूर मित्र स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम आईटीआई डिप्लोमा उत्कीर्ण छात्र छात्राओं को सौर ऊर्जा से संबंधित एवं संचालन रख रखाव हेतु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान भारत सरकार द्वारा 3 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया। इन प्रशिक्षित छात्र छात्राओं के लिए विदेश में स्थापित सौर पावर प्लांट रोजगार हेतु प्रयास किया जा रहा है। अब तक 53% छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट कराया गया है। 2004-05 से दिसंबर 2016 तक बायोमास आधारित कुल 45.336 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किया जा चुके हैं। विदेश में देश का सबसे बड़ा 130 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट नीमच में स्थापित किया गया। ठीक है, 2014 से प्रारंभ है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल विद्युत प्रदाय 64,149 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इंदिरा सागर परियोजना ने 1940 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना ने 1194 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया है। मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कुल विद्युत प्रदाय 18,960 मिलियन यूनिट है। चार हजार मेगावाट लगभग 3960 का शासन ऊर्जा प्रोजेक्ट सीधी में प्रस्तावित है। बीना में भेल द्वारा भारत का प्रथम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। महेशो जल विद्युत और पैंच जल ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की दो कुछ सौंपी गई हैं। कौन कौन सी? जल विद्युत, महेशो जल विद्युत पैंच और पैंच ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, नीमच जिले में गैस और डीजल से संचालित विद्युत केंद्रों की स्थापना हो रही है।
विंध्यांचल वेडन सिंगरौली राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। यह NTPC द्वारा संचालित है। वेडन सिंगरौली को प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, कागज मिल नेपानगर के अलावा नेवाड़ क्षेत्र को बिजली आपूर्ति भी की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा खपत का 50% क्रमशः उद्योग, कृषि और घरेलू कार्यों में है। प्रदेश में हाइड्रेल जल पंप सबसे अधिक खरगोन जिले में है। प्रदेश में एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र आपका भोपाल में है। मालवा ताप परियोजना मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया में स्थापित की जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने पर अकेले खंडवा को की विद्युत क्षमता 3535 मेगावाट हो जाएगी। खंडवा प्रदेश का लाइट हाउस बन जाएगा। प्रदेश को विद्युत की सर्वाधिक आपूर्ति सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना 1945 में की गई। NTPC द्वारा छतरपुर जिले में 4000 मेगावाट का पावर हाउस लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मंडला जिले के चुटका गांव में प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीर सिंहपुर स्थित संजय ताप विद्युत केंद्र की 500 मेगावाट क्षमता वाली नई यूनिट से उत्पादन प्रारंभ हो गया। भांडेर विद्युत गृह को गैस की आपूर्ति HVGVJ हजीरा विजयनगर विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश का प्रथम गैर आधारित विद्युत गृह भांडेर का है, जिसमें कुल विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 300 मेगावाट है। प्रदेश में बैतूल और शाजापुर नए पवन ऊर्जा क्षेत्र हैं। प्रदेश के इंदौर में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया। अमरकंठक विद्युत केंद्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है, अमरकंठक विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 70% ताप विद्युत का है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का देश का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित है, जिसकी क्षमता है 54,000 लीटर प्रतिदिन। गैसीय फायर के द्वारा लकड़ी कटाई के दौरान निकले बुरादे से विद्युत प्राप्त की जाती है। सोलर स्टील से सौर ऊर्जा का उपयोग वाष्पन द्वारा आसुत जल एकत्रित करने हेतु किया जाता है। प्रदेश में खरगोन जिले के करवा में अवशिष्ट को जलाकर विद्युत उत्पादन करने का जनरेशन योजना स्थापित की गई। प्रदेश में देश की पहली ज्वाइंट सेक्टर कंपनी मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड मध्य प्रदेश में गठित की गई। नई पवन ऊर्जा नीति वर्ष 2012 को मंजूरी मिली से। बुंदेलखंड सुपर ताप विद्युत परियोजना छतरपुर जिले के वरेटी में NTPC ने 2640 मेगावाट क्षमता की सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित की है। इसमें 660 मेगावाट की कुल 4 इकाइयां होंगी। 50% विद्युत उत्पादन मध्य प्रदेश को मिलेगा इसमें से। गाडरवारा सुपर ताप विद्युत परियोजना नरसिंहपुर जिले में है। चरण एक में 800 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल यूनिट। प्रदेश में रीवा जिले की गुड़ तहसील में देश की सबसे बड़ा अल्टा मेगा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में 2 प्रकार की ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में है कोयला, विद्युत, ताप और जल। परमाणु ऊर्जा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आपका गैर परंपरागत में है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल। उत्पादन के तरीकों के आधार पर ऊर्जा स्रोत जल विद्युत, तापीय विद्युत, परमाणु विद्युत।
फिर बात करते हैं गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को उपयोग करने में मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है, पहले फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद में। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना प्रदेश में सर्वप्रथम इंदौर में स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग प्रदेश में झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। मध्य प्रदेश सोलर कुकर के उपयोग के मामले में प्रथम स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी होशंगाबाद में लगाया गया। कस्तूरबा ग्राम इंदौर पूर्णतः सौर ऊर्जा से आपूर्ति उसकी होती है। इसकी सौर ऊर्जा आधारित शीत गृह भोपाल में लगाया गया। बात करते हैं जैव ऊर्जा। राज्य में बायोगैस से विद्युत उत्पादन का 13.50 मेगावाट उत्पाद भूसी आधारित संयंत्र धार जिले के जादूखेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का भूसी आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर और बालाघाट में भी भूसी आधारित बायोगैस संयंत्र हैं। नेफ्था आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र ग्वालियर में निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किया गया। अवशिष्ट कचरे से विद्युत उत्पादन कटवा खरगोन में। बायोगैस से बिजली उत्पन्न करने वाला देश का पहला गांव कसई बैतूल है। ठीक है, प्रदेश में कचरे से विद्युत उत्पादन करने वाला एकमात्र संयंत्र भोपाल में है। ग्वालियर एवं मुरैना में गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में जेट्रोफा से बायो फ्यूल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र बोसगढ़ी मंडला जिले में लगाया गया। फिर है पवन ऊर्जा। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना पवन ऊर्जा के लिए आदर्शात्मक है। देवास के निकट प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जामा गोदरागी में निजी क्षेत्र के साथ स्थापित की जा रही। बैतूल और शाजापुर में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ आपकी इंदौर जिले में हैं। गुना एवं मंदसौर जिले में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। देश की पहली संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है मध्य प्रदेश विंड फार्म। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये। अब बात कर लेते हैं जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र प्रमुख जल विद्युत केंद्र एक केंद्र है। ये स्थापना वर्ष है इनका 56 मेगावाट और लाभान्वित राज्य इकाइयाँ। ठीक है, तो चांदनी बुरहानपुर में है। इसे कोयला मिलता है तावा से और ताप्ती नदी से पानी मिलता है। ठीक है, आपूर्ति होती है। ये 1953 में स्थापित हुई। इसकी क्षमता है 17 मेगावाट। नेपानगर कागज मिल बुरहानपुर को इससे लाभान्वित होता है। फिर है अमरकंठक अनूपपुर में स्थित। सुहागपुर से इसे कोयला मिलता है और सोन नदी से जल की आपूर्ति होती है। इसकी स्थापना भी 1977 में। 450 मेगावाट की क्षमता है इसकी। मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। सतपुड़ा सारणी बैतूल पाथरखेड़ा में है। इसे कोयला मिलता है पाथरखेड़ा से और पानी मिलता है नदी तावा नदी से। ये 1967 में स्थापना हुई इसकी। 1017.5 मेगावाट इसकी क्षमता है। मध्य प्रदेश राजस्थान 3:2 में लाभान्वित होते हैं। फिर विंध्याचल वेडन सिंगरौली सिंगरौली का कोयला और रेहंद नदी से पानी मिलता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। 3260 क्षमता है इसकी मेगावाट। 5 राज्यों तथा दमन द्वीप 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रूस की सहायता से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बड़ा संयंत्र 2001 में स्थापित किया गया। ठीक, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। जबलपुर कोयला और नर्मदा नदी से पानी इससे मिलता है। 1960 में स्थापित हुई। 151 मेगावाट इसकी क्षमता है। मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। फिर संजय गांधी उमरिया में जाहिला क्षेत्र का कोयला और जाहिला नदी का पानी मिलता है। और 1993 में इसकी स्थापना हुई। 1340 मेगावाट इसकी क्षमता है। मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। पैंच छिंदवाड़ा का कोयला और पैंच नदी का जल।
210 मेगावाट है इसकी क्षमता। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होते हैं। फिर है आपका संजय गांधी, हो ही गए, देख ही लिया। दादा धोनी वाले खंडवा में, इसकी 2000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। फिर मांडू ताप जल पर ताप परियोजना धार में, मध्य प्रदेश और गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। बीना ताप विद्युत के ये सागर में है, याद रखना। 1000 मेगावाट है इसकी, 1000 मेगावाट है इसकी क्षमता, ठीक है। और इससे मध्य प्रदेश विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में है, ठीक है। फिर है मालवा ताप विद्युत गृह, एक खंडवा में है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है, 2000 मेगावाट, जनवरी 2008 से प्रारंभ हुई। अमरकंठक विस्तार इकाई उमरिया में 2010 में इससे, सॉरी 210 किलो मेगावाट है, और 2006-07 से इसकी उत्पादन है इसमें। फिर बात करते हैं जल विद्युत केंद्रों के बारे में। जल विद्युत केंद्र एक केंद्र हो गया आपके, ये स्थापना हो गई, क्षमता हो गई और लाभान्वित राज्य हो गए। गांधी सागर भानपुरा मंदसौर में है, इसकी स्थापना 1960 में की गई। इसकी क्षमता है मेगावाट 115 मेगावाट। मध्य प्रदेश राजस्थान 50:50 में अनुपात में विभाजित लाभान्वित होते हैं। फिर है राणा प्रताप सागर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, 1960 में इसकी स्थापना हुई, 172 मेगावाट है इसकी क्षमता। मध्य प्रदेश राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। जवाहर सागर कोटा में, 1960 में इसकी स्थापना हुई, 99 मेगावाट इसकी क्षमता है। मध्य प्रदेश राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। अवंती बाई परियोजना वर्गी जबलपुर में, 1960 में इसकी स्थापना हुई, 90 मेगावाट इसकी क्षमता। राजघाट परियोजना ललितपुर उत्तर प्रदेश में, 1960 में ये भी स्थापित हुई, 45 मेगावाट है इसकी क्षमता। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रिहंद जलाशय परियोजना पीपरी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, 1960 में इसकी स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पैंच जल विद्युत सिवनी 1960 में, 160 है इसकी मेगावाट क्षमता विद्युत की उत्पादन करने की, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। महेश्वर जल विद्युत परियोजना महेश्वर धार में, 1994 में इसकी स्थापना हुई, 450 मेगावाट है इसकी क्षमता। सरदार सरोवर की उप परियोजना है ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, ओंकारेश्वर खंडवा में 2007 में इसकी स्थापना हुई, 520 है इसकी मेगावाट क्षमता। इंदिरा सागर परियोजना पोनासा खंडवा में 2006 में इसकी स्थापना हुई, 1000 मेगावाट है इसकी क्षमता। वाड़ सागर परियोजना सीधी मध्य प्रदेश में 1994-95 में इसकी स्थापना हुई, 110 मेगावाट इसकी क्षमता है। मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। टोंस परियोजना रीवा में है, 315 मेगावाट है इसकी क्षमता। फिर मलखेड़ा ये 2008 में स्थापित हुई, 40 मेगावाट इसकी क्षमता है। चांदेल परियोजना खंडवा में 15 मेगावाट इसकी क्षमता है। महीखेड़ा या मोहिनी सागर इस खरगोन में 60 मेगा वाट है इसकी क्षमता। वीर सिंहपुर उमरिया में 1991 में स्थापित हुई और 20 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। तो याद रखना ये था हमारा ऊर्जा संसाधन। आगे हम बात करेंगे कृषि परिदृश्य एवं पशुधन के बारे में, ठीक है।